अस्सलामुअलैकुम जी, आज हम इस जगह पे आए थे, यहाँ पे हम लोग इनको पीवीसी फोल्डिंग डोर लगा के दे रहे हैं। ये आपको बिफोर की वीडियो है, अभी जब इस जगह के ऊपर दरवाज़ा लगेगा फिर हम आपको इसकी फिनिश पोजीशन बताएंगे। ये ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम का सेंटर पोर्शन है जिसके ऊपर हम पीवीसी फोल्डिंग डोर लगाएंगे। तो चलें जी काम शुरू करते हैं। लियाकत साहब आज हमारे साथ हैं, हमारे एक्सपर्ट दरवाजों के, देखते हैं आज ये कैसा दरवाजा लगा के देते हैं। दरवाजा जी इस टाइम पे हमारा करीब करीब है कंप्लीट होने के, लेफ्ट साइड डल चुकी है, राइट साइड का चैनल फिट हो रहा है और ये जो पीस सेंटर में है ये राइट पे आ जाएगा। तीन साइड के ऊपर इसके चैनल चलता है, लेफ्ट राइट और टॉप पे। बॉटम इसका फ्री रहता है ताकि चलते हुए एक दूसरी साइड के ऊपर पाऊंगा टूटा ना लगे, तो फ्लोर वाली साइड इसकी फ्री रहती है। लेफ्ट साइड के ऊपर ये चैनल है, टॉप का चैनल है, दूसरी साइड से दिखाता हूँ आपको इसका लिक्विड पीस। ये देखिए इसका ऊपर की तरफ यू चैनल जा रहा है, ये इसका दीवार के साथ चैनल आ रहा है, इसके अंदर वो हुकअप हो जाते हैं और साइड चैनल जो था वो फिक्स हो जाता, ऊपर वाले वो स्लाइडिंग रहता। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं और आज हम एक और क्लाइंट के घर आए हुए हैं जिनको भी हमने रिसेंटली पीवीसी फोल्डिंग पार्टीशन या पीवीसी फोल्डिंग डोर लगा के दिया है। और ये फोल्डिंग डोर फोल्डिंग पार्टीशन अमूमन ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम के दरमियान यूज होता है। इसके अंदर डिफरेंट चीजें मैं आपको पहले वीडियोज में भी बता चुका हूँ, इसमें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो आप शीशे देख रहे हैं और जो ये मटीरियल देख रहे हैं, टोटल ये पीवीसी मटेरियल के अंदर बने हुए हैं। ये ग्लास भी पीवीसी का है और मटेरियल भी टोटल पीवीसी का बना हुआ है। अब इसके जो खाने आप देख रहे हैं ये आपको साइज के हवाले से एडजस्टेबल होते हैं। इसमें पांच बॉक्सेस आए हैं, ये तीन शीशे के और दो सॉलिड। इसी तरीके से आप इसको एक सॉलिड और चार शीशे के साथ भी रख सकते हैं, फुल शीशे के साथ भी रख सकते हैं और इसका तीन सॉलिड और दो शीशा भी कर सकते हैं। ये चीजें आपके हाथ में है, आपकी पसंद के हवाले से इस तरीके से एडजस्ट हो जाएंगी। दूसरी चीज मैं बताता चलूं, ये जो डिजाइन आपको नजर आ रहा है ये आर्च डिजाइन कहलाता है। ये जो चीज नजर आ रही है आपको, ये जो आर्चेस हैं ये भी दो ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। ये स्ट्रेट कट में भी आ जाता है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट कट में रेक्टेंगुलर शेप में आएगा और ये आर्च डिजाइन में आएगा। जब हम रेक्टेंगुलर में दरवाजा बनाएंगे तो ये जो आर्च का सॉलिड पीस है ये भी स्ट्रेट कट के साथ ही आएगा इसमें। और अगर आप चाहें तो फुल शीशा भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो तीन सॉलिड या दो सॉलिड और इस तरीके से भी इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो आए अभी मैं आपको इस दरवाजे को ऑपरेट करके बताता हूं। अमूमन ये दरवाजा पर्दे के लिए इस्तेमाल होता है ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम में, जब आपके गेस्ट इस साइड पे बैठे हुए हैं और आपने डाइनिंग रूम की सर्विंग करनी है। इस दौरान जब घर की फैमिली की लेडीज वगैरह सर्विंग कर रही होती है तो उनको एक पर्दे का मामला दरपेश होता है, तो ये उसका बेहतरीन सोल्यूशन है, खूबसूरती भी है और अफादियत भी है। तो अभी इसको ऑपरेट करते हैं। हाफ इस साइड के ऊपर चला गया और हाफ दरवाजा इस साइड के ऊपर चला गया। इस तरीके से दरवाजा ओपन हो जाएगा, इसी तरीके से आप इसको वापस क्लोज कर सकते हैं और ये हमारा ड्राइंग डाइनिंग का पर्दा हो जाता। मूवमेंट बहुत इसकी जो है स्मूथ है, एक बार फिर ऑपरेट करके दिखाता हूं आपको। अच्छा फ्रेंड एक चीज बताता हूँ कि इस दरवाजे में स्लाइटली सी सलवट रहती है, यही इसकी खूबसूरती भी है। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनता ये, थोड़ी सी इसके अंदर से प्ले इसमें रखी जाती है या इसी की खूबसूरती में शुमार होती है। ले तो वापस क्लोज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज आपको हमारी इस वीडियो से
काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा और आपने काफ़ी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा होगा, बेहतर विजुलाइज किया होगा। मैंने अच्छा कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन करने की, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्यूरी, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन आपके पास हो तो हमारे पास इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया गया है, उसके ऊपर आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। कलर्स इसमें बहुत सारे हैं, ब्राउन वुडन टच में भी हो सकता है, टीक कलर में भी हो सकता है, वॉलनट कलर में भी हो सकता है, कलर ऑप्शंस बेशुमार हैं, शीशे के ऑप्शन में भी डिजाइनिंग के ऑप्शन बेशुमार हैं। तो फिर भी कोई सवाल आपका हो कमेंट्स में लिखें, व्हाट्सएप पे करें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। आज के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।